तो दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 9 खेले जाने वाला है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में, और ये मैच जो है काफी बढ़िया होने वाला है। और इस मैच में जो है एक और मैच खेले जाने वाला है विराट कोहली वर्सेस नवीन उल हक के बीच में। वैसे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की इस मैच के लिए, साथ ही साथ प्रेडिक्शन बताऊंगा कौन से बैट्समैन चलेंगे, कौन से बॉलर चलेंगे एंड कौन से ऑलराउंडर्स चलेंगे, और साथ ही साथ पिच रिपोर्ट एंड लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी टीम जो है इस मैच को जीत सकती है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो जो है इस चैनल पे आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको पिच रिपोर्ट बता देता हूं दोस्तों, ये मैच जो है दिल्ली के अंदर खेले जाने वाला है कैपिटल ऑफ इंडिया में, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये बैटिंग पिच है पूरी की पूरी, यहां की जो इस मैदान की पिच है वो बैटिंग पिच है और यहां पर रन काफी सारे बरसते हैं। श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच देखा है, उन लोगों को पता है कि किस तरीके से यहां पर रन बनते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 400 से ज्यादा रन बनाए और साथ ही साथ श्रीलंका ने भी 300 से ज्यादा रन बनाए इस मैदान पे, और वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। बैटिंग पिच है ये, आप ये समझ के चल लीजिए। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं दोनों टीमों की। तो सबसे पहले इंडिया की बारी, इंडिया की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है इस मैच के लिए, रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल या फिर ईशान किशन। मेरे हिसाब से ओपनिंग के लिए ईशान किशन ही आएंगे नेक्स्ट मैच में भी, लेकिन फिर भी अगर शुभमन गिल फिट हो जाते हैं तो वो आ जाएंगे। नंबर 3 पे विराट कोहली, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे KL राहुल, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर, नंबर 9 पे कुलदीप यादव, नंबर 10 पे जसप्रीत बुमराह, नंबर 11 पे मोहम्मद सिराज। कुछ इस तरीके से जो है प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है टीम इंडिया की। वही अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो यहां पर जो है आर गुरबाज यानी कि रहमतुल्ला गुरबाज विकेट कीपर प्लस बैट्समैन, साथ ही साथ इब्राहिम जादरान जो कि काफी बढ़िया जो है बैट्समैन है, रहमत शाह जो कि बहुत ही बढ़िया वन डाउन के प्लेयर है, नंबर 4 पे जो है यच शाहिदी जो कि कैप्टन भी होगी इस टीम के, नंबर 5 पे नजीबुल्ला जादरान जो कि बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, नंबर 6 पे मोहम्मद नमी, नंबर 7 पे अजमतुल्ला उमर जाई, साथ ही साथ नंबर 8 पे रशीद खान, नंबर 9 पे मुजीबुर रहीम, नंबर 10 पे नवीन उल हक, नंबर 11 पे फजल हक फारूकी। कुछ इस तरीके से जो है प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है दोनों टीमों की। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर बैटिंग प्रेडिक्शन, बॉलिंग प्रेडिक्शन एंड ऑलराउंडिंग प्रेडिक्शन की। तो बैटिंग में जो है मेरे हिसाब से विराट कोहली एंड KL राहुल जो है कंबाइनली 100 से ज्यादा रन इस मैच में जो है बना सकते हैं, और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर जो है वो भी 50 से ज्यादा रन बनाएंगे एंड रहमतुल्ला गुरबाज जो है अफगानिस्तान के लिए वो भी 70 से ज्यादा रन बनाएंगे। और उसी के साथ साथ बॉलिंग में जो है मेरे हिसाब से सिराज एंड बुमराह जो है कंबाइनली 5 से ज्यादा ही विकेट लेंगे, और साथ ही साथ कुलदीप यादव जो है वो भी 2 से ज्यादा विकेट लेंगे, क्योंकि ये काफी बढ़िया फॉर्म में है इस साल। स्पिनर ऑफ द टीम इंडिया इस साल यही रहे हैं, बहुत ही बढ़िया स्पिन गेंदबाजी इन्होंने जो है टीम इंडिया के लिए इस साल की है। और उसी के साथ साथ जो है अफगानिस्तान के लिए मेरे हिसाब से रशीद खान एंड जो फारूकी है यानी कि फजल हक फारूकी वो 5 से ज्यादा विकेट लेंगे कंबाइनली। अब इसमें रशीद खान 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, तो उस हिसाब से आप समझ के चल लीजिए। एंड ऑलराउंडर्स में जो है मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा 30 से ज्यादा रन और 2 विकेट लेंगे, और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या जो है वो भी 1 से ज्यादा विकेट एंड 40 से ज्यादा रन बनाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये दोनों ऑलराउंडर जो है टीम इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपना मैचेस में। और साथ ही साथ मेरे हिसाब से जो है अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद नबी 1 से ज्यादा विकेट एंड 30 से ज्यादा रन बनाएंगे ही बनाएंगे। तो दोस्तों लास्ट में जो है मैं आपको बता दूं कि कौन सी टीम जो है इस मैच को जीत सकती है। तो मेरे हिसाब से टीम इंडिया जो है इस मैच को जीत सकती है, क्योंकि वैसे तो बैटिंग पिच है एंड दोनों टीमों के पास बैट्समैन बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया की बैटिंग जो है काफी अच्छी लगती है एंड ऑल इन वन भी टीम इंडिया बहुत बढ़िया लगती है बॉलिंग में बैटिंग में। तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर टीम इंडिया ही जीते। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।